हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं एक नई स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मथुरी बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, ये करीब 250 ग्राम मैदा है, और 1/4 कप मैंने छोटा कप है मेरा सूजी है, ये करीब 50 ग्राम सूजी है, और ये आधी चम्मच अजवाइन है, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया, कसूरी मेथी है, और ये 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल है, आप घी भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच करीब नमक है, टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और आटा गूंथने के लिए पानी है। गलने के लिए तेल लिया है रिफाइंड ऑयल। मैदा गूंथने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, और सबसे पहले मैं इसमें मैदा को मिलाऊंगी और सूजी, काली मिर्च, अजवाइन, अजवाइन को मैं इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ लूंगी इस तरीके से, और ये कसूरी मेथी है, इसको भी इस तरीके से हम थोड़ा कर लेंगे। अगर कसूरी मेथी सीली हुई हो तो आप तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं। और ये नमक है, ये 1 चम्मच करीब नमक है, इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। पहले हाथ से इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे। ये मछली देखने और खाने दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें ये रिफाइंड ऑयल है इसको मिलाऊंगी, इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। ये मैंने वैसे 250 ग्राम मैदा में 20 ग्राम लिया है रिफाइंड ऑयल, और यदि आप अंदाज से डालना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये रिफाइंड डालने के बाद इस तरीके से बाइंड होना चाहिए, और देखिए इस तरीके से बंधा रहना चाहिए। अब मैं इसमें पानी मिलाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालेंगे, और इसका सख्त आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाएंगे, और पूरी की तरह से सख्त आटा लगाएंगे इसका। हमारा आटा मल गया है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे ये आटा सेट हो जाए। मैं इसको एक कपड़े से ढक देती हूँ। 15 मिनट बाद हम इसकी मठरी बनाएंगे। मिनट करीब हो गए, आटे को देख लेते हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब मैं एक बार और इसको मल लेती हूँ। अच्छा सा गूंथ गया है। अब मैं इसमें से एक लोई ले लेती हूँ इस तरीके से, और इसको अच्छे से हम इसको बड़ा सा बेलेंगे, बड़ा सा बेलेंगे, और गोल और उसका हम ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, हमें बड़ा सा ही बेलना है, और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बेलेंगे। मैंने इसे बेल लिया है चार तरफ से एक साथ, और मैंने ये कटोरी ली है, आप कोई भी ढक्कन भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हम इसके गोल गोल पूड़ियां काटेंगे छोटी छोटी इसके नाप की, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। दिया है मैंने, और इन पूड़ियों को इधर रख लेंगे प्लेट में। अब मैं रोज मठरी बनाती हूँ। रोज मठरी बनाने के लिए इस तरीके से पूड़ियों को हम सेट करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। आप 5, 6, 7 जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं इस तरीके से। मैंने करीब 6 लिए हैं। पानी लगा दूंगी इस तरीके से, अब इनको मैं इस तरीके से फोल्ड करके सबको फोल्ड करूंगी इस तरीके से, देखिए। इस पर भी मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी, ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब मैं इसमें इसको इस तरीके से रख करके चाकू से इसके 2 भाग कर दूंगी इस तरीके से,
देखिए इनके पेटलों को हम इस तरीके से थोड़ा खोल देंगे। ये बिल्कुल रोज की स्टाइल से लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं इस तरीके से खोल दूंगी थोड़ा थोड़ा। इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शेप आई है, आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल रोज जैसे लग रहे हैं। रोज बना ली है, देखिए रोज मठरी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। एकदम से इनके पेटल्स भी एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। तो अब मैं इनको तल लेती हूँ। गैस पर कढ़ाई रख दी है और तेल भी गर्म होने लगा है, हमने गैस भी ऑन कर रखी है और हीट आ रही है। देखते हैं तेल गर्म हो गया क्या। तेल गर्म हो गया है और हमको तेल ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, लो आंच पर ही हम इनको सेकेंगे। इसको निकाल देती हूँ, एक एक करके इन रोजों को डाल देती हूँ। हमें धीमी आंच पे ही सेकनी है क्योंकि हमारी रोज मठरियां ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और मैदा का टेस्ट आएगा, इसलिए हम इन्हें धीमी आंच पर ही सेकेंगे। हम इन्हें उलट पुलट करके इस तरीके से सेकेंगे और इन्हें सेकने में करीब मुझे 10-12 मिनट लगे हैं। और देखिए हमारी बिल्कुल सिक करके पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं हमारी रोज मठरी बन करके तैयार है। देखिए बहुत ही सुंदर बनी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इस तरीके से रोज मठरी बनाइए, खाइए और सर्व कीजिए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।